हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डिवाइस नेम के बारे में। जैसे कि हम डिवाइस नेम को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अबाउट डिवाइस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए डिवाइस नेम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर डिवाइस नेम शो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, ये देखिए डिवाइस नेम है। आपको यहाँ सर्च करना होगा डिवाइस नेम, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से चेक कर सकते हैं और चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर वीवो लिख लेते हैं और सेव कर लेते हैं और हमारा यहाँ पर वीवो हो जाएगा। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं डिवाइस नेम को। और स्टोरेज को चेक करना चाहते हैं या फिर क्लीन करना चाहते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अगर चेक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरा 64 GB टोटल है, जिसमें से 62.4 GB मेरा यूज़ हो चुका है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।